Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest film interviews, features and recommendations on the movies that matter. आशा जी कैसे हैं आप? कैसे कट रही है लॉकडाउन? कैसी हैं आप? जैसे सबकी है. अच्छा, ये क्या हुआ कि मैं मार्च में यहाँ आ गई 17 तारीख को 8 दिन के लिए और लॉकडाउन हो गया, तो वहां से लेके मतलब तब से लेके मैं यही हूँ. आप परिवार सहित लोनावला के आपके जो घर है लोनावला में, आप वहां पर हैं? जी हाँ, लड़का, दोनों पोता पोती, बहू सब हैं. कैसे कट रहा है वक्त आशा जी? क्या कर रही हैं आप? मुझे पता है कि आप पोता पोती के साथ ज्यादातर I'm guessing आप खेल रही हैं, मजा कर रही हैं, उनके लिए खाना शायद बना रही हैं. हाँ, पर खाना तो मेरा है ही, लेकिन मैं रियाज करती हूँ थोड़ा सा अपने आप को देखती हूँ और खाना भी बनाती हूँ. और ये जो काम मैंने शुरू किया है ये बहुत दिनों से दिमाग में था, मतलब बहुत सालों से. तब लोग आते थे, बात करते थे, आशा जी आप मेरा गाना सुनिए, मुझे कुछ बताइए, रास्ता बताइए. तो मैं भी काम में थी, आपको मालूम है फिल्म इंडस्ट्री क्या कैसे होता है, तो मैं रह गया. तो अभी मुझे ख्याल आया कि इन लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि क्या हिंदुस्तान में 10-12 गाने वाली हैं? 10-12 गाने वाली हैं, ऐसा क्यों है? तो मैं हमेशा सोचती थी कि इतनी बड़े हिंदुस्तान में इतने लोगों में बहुत गाने वाले होंगे, बहुत राइटर होंगे, बहुत म्यूजिक डायरेक्टर होंगे, जिनको चांस नहीं मिलता है, जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं. इतनी हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, लेकिन सब लोगों को चांस नहीं मिलता है. जैसे मैं आई थी आज से, मतलब 43 में मैं आई थी, तो मेरे को गाना गवाया था लोगों ने, और तब से मैंने लेके बहुत मेहनत की और उस वक्त से लेके मैं अब तक गा रही हूँ. मेरा आवाज मैं अच्छा रखती हूँ क्योंकि रियाज करती हूँ हमेशा. तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को आना चाहिए इस संगीत की दुनिया में. मुझे चाहिए कि कोई आवाज अच्छी आए. मैं ये नहीं चाहती हूँ कि लता मंगेशकर हो या किशोर हो, ऐसा कुछ नहीं. खुद की वॉइस लेके कोई आदमी आए जो नई कोई साउंड हो. तो मैंने ये कार्यक्रम बोला. तो ये एक टैलेंट कॉन्टेस्ट है आशा जी, ये एक टैलेंट कॉन्टेस्ट है जो आप शुरू कर रही हैं, जिसका नाम है आशा की आशा. बहुत ही खूबसूरत नाम है. और मैं सबको बता दूं, आपने क्या किया है कि आपने अनाउंस किया है कि आपकी जो वेबसाइट है यानी कि ashabhosle.com पर जो कोई गाने के शौकीन हैं, जिनको लगता है कि उनमें वो टैलेंट है, अब वो 2 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं. और आपने कहा है कि आपको सिर्फ चाहिए कि उनका शक्ल ठीक से दिखे और उनकी आवाज ठीक से सुनाई दे, और कुछ नहीं. मेकअप नहीं चाहिए, उन्हें डांस करने की जरूरत नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस उन्हें गाना है. वो म्यूजिक भी नहीं, वो कराओके क्या बोलते हैं वैसा वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें आवाज समझ नहीं आती है. जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरी आवाज ऐसी है, तो ये मुझे चाहिए. तो काफी लोगों ने आवाज भेजी है. कम से कम मेरा ख्याल है 200 लोगों ने अभी तक गाने भेजे. मैं कल रात के 2 बजे तक बैठी थी और गाने गिन रही थी, चुन रही थी, मतलब किसका आवाज क्या है क्या नहीं है. तो बहुत अच्छा गाते हैं लोग, बहुत अच्छा गाते हैं, और जो कभी आ नहीं सकते इस मतलब लाइन में, उनको कोई मतलब उनके लिए चांस नहीं है. तो मैं उनको चांस देना चाहती हूँ, एक उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती हूँ कि वो आए, ऊपर आए. आप क्या ढूंढ रही हैं? आप उस आवाज में आप क्या ढूंढ रही हैं? क्योंकि आपने कहा है कि जो लाजवाब आवाजें आपको मिलेंगी, आप उन्हें इनाम भी देंगी और आप उनकी सिफारिश भी करेंगी काम के लिए. तो आप ढूंढ क्या रही हैं आशा जी उस आवाज में? नई आवाज, किसके जैसा ऐसा नहीं चाहिए मुझे, किसके जैसा वैसा नहीं चाहिए. तो वो अच्छा नहीं होता है. जो अपनी खुद की वॉइस है उस पर जो काम हो सकता है वो नकल करने से नहीं होता है. तो नकल लोग करते हैं हमेशा, तो वो नहीं मुझे चाहिए। इन दिनों आशा जी इतने सारे रियलिटी शोज हैं, ये टैलेंट कॉन्टेस्ट तो बहुत सारे हैं टेलीविजन पर, लेकिन एक्चुअली ज्यादातर वो तो मतलब म्यूजिक और गायकी के बजाय मतलब वो पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट, डांसिंग कॉन्टेस्ट जैसे बन गए हैं। मैं हमेशा इससे मतलब झगड़ा होता था मेरा, थोड़ा मैं बोलती थी कि ये गाने वाले बच्चे हैं, उनसे डांस मत करवाइए, ना उनको एक्टिंग करवाइए, ना उनको कपड़े ऐसे पहनाइए, इतने बड़े बूट, इतने छोटे फ्रॉक या कुछ, वो बच्चे भी नहीं समझ सकते कि हम क्या पहन रहे हैं। और फिर उनको बताया जाता है कि आप ऐसा गाने में ये कीजिए, अच्छे गाते हैं बच्चे लेकिन उनको गाने दीजिए, सिर्फ डांस करके कोई गा नहीं सकता है, डांस करके गाना मुश्किल है, सुर हिल जाता है। तो मैं बोलती हूँ कि गाने वाले को गाना ही चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए। तो मैं रियलिटी शो में मैं देखती हूँ और वहाँ जाने के लिए लोगों को इतनी बड़ी लाइन लगानी पड़ती है, लिखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तब जाके 10 बच्चों को चांस मिलता है। मैंने बोला कि इनको कंफर्टेबली अपने आवाज मेरे तक पहुँचाएंगे वो, तो क्या रास्ता है? तो रास्ता मेरी छोटी मेरी क्या बोलते हैं पोती है जानाई, तो जानाई ऐसे घर में बैठ के रात को क्या पता नहीं बच्चे बोल रहे थे, गाना गा रहे थे, कोई डांस कर रहा था, मैं जाके देखा, मैंने कहा ये क्या है? तो बोलती ये पार्टी चल रही है हमारी। तो मैंने बोला ऐसे पार्टी हो सकती है, ऐसे पार्टी हो सकती है? तो उसने कहा कि ये बहुत नया जमाना है आशाई, मुझे आशाई बुलाती, आशा ये बहुत नया जमाना है, तुमको मालूम ही नहीं है क्या क्या होता है। वो अभी वो ट्विटर और ये और वो, हम तो और कोई दुनिया में। मैंने कहा अभी मुझे अब तुम्हारी दुनिया मत बताओ, अभी तुम ये बताओ कि ये कैसे होता है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि चलो इससे हम लोगों को इस पे ले सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उनको ये लाइन लगाने की, किसी को मतलब वो जाके लोग खड़े रहते हैं पूरा दिन, मैं देखती थी कितने देर तक वो खड़े हैं, ये है वो, फिर सब अंदर आ रहे हैं वो उनको पास कर, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से आप आइए, धूप में खड़े होकर आपको गाना भी नहीं गा सकते हैं तो आप घर में बैठ के गाना गाइए और आवाज मुझे सुनाइए। तो मैं ऐसे इतना ये नहीं हूँ कि बहुत, लेकिन मेरे को जो अच्छी आवाज लगेगी, जितना मेरा अनुभव है जी। हर वीडियो आप देखेंगी आशा जी, हर एक वीडियो आप बैठ कर देखेंगी और जांचेंगी? देखा मैंने, सब वीडियो मेरे को देखा है, नंदू मेरे साथ है और नंदू ने मेरे को सब बोला कि देखो ये आया है, ये है, सब मैंने गाने सुने और मैंने जिसको मुझे अच्छा लगा मैंने अलग किया। और मेरा ख्याल है अभी तो शुरुआत है, 1 तारीख को ही मैंने अनाउंस किया है, तो अभी तक इतने गाने आ गए हैं तो अभी भी और आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है, कोई अच्छा मिल जाएगा। आशा जी कितनी जरूरत है आपके हिसाब से, कितनी जरूरत है ऐसे टैलेंट कॉन्टेस्ट की? आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री में एक जगह एक पैर घुसाने की, बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल होती थी। पहला जमाना जरा अलग था, जब हम आए तब वो लोग ऐसे ही बोलते थे मुझे। जब मैंने पहला गाना गाया था तो हंसराज जी के पास, हंसराज बहल करके थे, उनके पास मैं गई, मैं बहुत छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ क्या है तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम आशा। हाँ आशा, बड़े थे उम्र में, तो कहा बाजा बजाया, तो भैया ला दे मोहे सोना चांदी, मैंने रिपीट किया, बोला अच्छा है कल से रिहर्सल में आ जाना, अभी भी बैठे रहो। तो ऐसे लोग थे कि थोड़ा सा सुन के उनको पता लग जाता था कि गाती है लड़की। तो इतनी ही लाइन पे मुझे पहला गाना मिला था, सावन आया ऐसा करके था। तो तब से लेके मैंने कभी मांगा नहीं किसी से, लेकिन जब भी बुलाए ऑडिशन देना है, कोई गाना सुनाना है, तो ज्यादातर लोग गाना सुनते नहीं थे तो अपना गाना ही गवाते थे और बोलते थे ये गा के बताओ, तो गा के बताया तो ठीक हो गए। लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। आशा जी, लॉकडाउन के वक्त आपने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया और मैं आपको मैंने एक्चुअली हाल ही में डिस्कवर किया और मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये तो जैसे फिल्म और म्यूजिक के शौकीन जो हैं उनके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि आपने इतनी खूबसूरत यादें ताजा की हैं। आप ये जो वीडियोस आप पोस्ट कर रही हैं उनमें आपने इतनी खूबसूरत चीजें बताई हैं, जैसे कि झुमका गिरा रे जो आपका शानदार गाना है उसके पीछे जो कहानी है वो आपने शेयर की है। इंदिरा गांधी जी के साथ आपकी जो मुलाकात हुई और उन्होंने क्या कहा बरेली के बारे में आपको, वो एक बहुत खूबसूरत कहानी है। या फिर किशोर कुमार ने किस तरह प्रकाश मेहरा को कहा कि मैं तो शराब पीता नहीं, आपने ये शराबी का गाना मुझे दिया है, ये मैं कैसे गाऊं। क्या ये वक्त आशा जी, क्योंकि हम सब घर पर हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, क्या ये वक्त यादों को ताजा करने में भी काम आया है? जी हाँ, यहाँ मैं मेरे बेडरूम के सामने बिल्कुल पूल है, अभी देख रहे हैं आप, और पानी बरस रहा है, तो ये सब पुरानी बातें याद आती हैं, सब याद आती हैं, क्या हुआ था, किस समय क्या हुआ था। और मैं बहुत, मुझे याददाश्त मेरी बहुत बचपन तक जाती है, 4 साल की थी तब तक मैं जाती हूँ और सब बातें याद आती हैं। और वो बातें याद आते आते किस गाने के साथ क्या हुआ था, कौन म्यूजिक डायरेक्टर कैसा था, कोई सिंगर कैसे थे। और अभी तो उस वक्त, ये वक्त ऐसा है कि हम एक ट्रैक में गाते थे पहले, एक ट्रैक, आपको ट्रैक समझ आएगा और लोगों को शायद, मॉडर्न जनरेशन को पता नहीं लगेगा। एक ट्रैक में गाना, एक माइक सबके लिए, 25 म्यूजिशियन, सिंगर या कोरस, कुछ भी हो। तो मैंने मेरा गाना जो पहला गाया था तो उसमें फ्लूट आता था, तो मैं झुक जाती थी सामने से, वो फ्लूट बजा के चला जाता था, मैं फिर खड़े होके गाना गाती थी। तो ऐसा वक्त भी हमने देखा। अभी 2 ट्रैक आए, 4 ट्रैक आए, फिर 6 ट्रैक वी शांताराम जी ने, उनके पहले भी 6 ट्रैक आए। तो हम लोग इतने ये हो गए थे कि 6 ट्रैक में भी गा रहे हम लोग, पता नहीं लगता था। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर भी बड़े खुश हो जाते हैं, म्यूजिशियन भी सब, कि हमको अलग अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। तो अभी तो क्या है कि जैसे अब मैं शूटिंग कर रही हूँ, अब देखिए आप देख रहे हैं ना, इतना हमारे एपिसोड देख रहे हैं जी। ये एक फोन है, एक फोन पे मेरा लड़का मेरे सामने खड़े होता है और मैं ऐसे बैठ के उसके सामने वो सब बताती हूँ। ना लाइट है, ना हमारे पास कुछ चीजें हैं, इक्विपमेंट, हाँ कुछ नहीं है, ना माइक, तो ऊंचा बोलना पड़ता है या गाना पड़ता है, तो आप तो समझ रहे हैं। तो ऐसा करके हम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से होता है वो। मेरे को तो डर ही लगता है कि क्या होगा क्या नहीं हो जाता है। बढ़िया वीडियोस हैं और आप इतनी नेचुरल हैं, सबसे उनकी सबसे खासियत यही है कि आप इतनी नेचुरली, इतनी कैंडिडली बोल देती हैं चीजें जो, मतलब जो हमने कभी सुना नहीं है, और जिनके बारे में हमको बहुत, किशोर कुमार जी के बारे में आपने जो छोटी छोटी इंसिडेंट्स बताई हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, वो कहाँ मिलेगा हमको। तो ये वीडियोस, मतलब आप एकदम ही नेचुरल हैं। आशा जी, शायद मुझे पता नहीं कि आप ये जानती हैं कि नहीं कि हाल ही में हमारे जो 15 लिरिसिस्ट हैं, 15 बॉलीवुड के टॉप लिरिसिस्ट, वो उन्होंने एक गाना बनाया है ये कहने के लिए कि उन्हें ज्यादा क्रेडिट की, उन्हें सही क्रेडिट की जरूरत है। वो कह रहे हैं इन दिनों कि एक वक्त था जब, और आपने सबसे बढ़िया लिरिसिस्ट के साथ काम किया है, मजरूह सुल्तानपुरी साहब, आनंद बख्शी साहब, साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, और उन दिनों उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। आज के लिरिसिस्ट बोल रहे हैं कि उन्हें सही किस्म का सम्मान, सही किस्म का क्रेडिट नहीं मिल रहा है। आजकल जब यूट्यूब पर एक नया गाना निकलता है तो एक्टरों के नाम आते हैं, सिंगर्स के नाम आ जाते हैं, कंपोजर का भी नाम आ जाता है, लेकिन लिरिसिस्ट के नाम नहीं आते। यूट्यूब पर भी और स्पॉटिफाई और ऐसे जैसे कई सारे स्ट्रीमिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। आप किस तरह से याद करती हैं जब वो लेजेंडरी लिरिसिस्ट होते थे, जिस तरह से उन्हें सम्मान मिलता था, क्या आपको लगता है क्योंकि आप इन यंग लिरिसिस्ट के साथ काम कर रही हैं? हाँ, मैंने किया है। एक मुझे अभी नाम याद नहीं है, तो बेगम कुछ अनु मलिक की पिक्चर है लास्ट, और वो सांड की आंख, उसमें मैंने गाना गाया है। तो उस वक़्त मैं मिली उनसे जो, लेकिन बाद में कहीं जिक्र नहीं हुआ है उन लोगों का। लेकिन आपको बताऊं कि गाना जो मतलब बोल, ये मुख्य है, मुख्य है गाने में, आत्मा है वो गाने। ट्यून जो है उसकी बॉडी है और हम जो है उनका सास श्रृंगार है। सास श्रृंगार हम चढ़ाते हैं अपनी आवाज से, अपनी हरकतों से, अपनी इमेजिन करके क्या हो रहा होगा, किस समय क्या गाना है, इस वक्त ऐसा हमको गाना है, तो ये हम करते हैं। लेकिन जो बोल है वो बोल पहले आत्मा है बोल। तो ये मेरा ख्याल है कि लिरिसिस्ट को बहुत बड़ा मान मिलना चाहिए, बड़ा मिलना चाहिए मान। तो जो एक्टिंग करते हैं वो भी बड़े हैं, लेकिन उनके पीछे और लोग हैं। जैसे हमारे पीछे जैसे म्यूजिक डायरेक्टर है, राइटर है, म्यूजिशियंस हैं। म्यूजिशियंस कितने हैं, वो हम सब मिलके एक चीज अच्छी बनती है। मैं अकेली चीज नहीं बना सकती हूँ, अकेला म्यूजिक डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता है। अगर सिंगर ना अच्छा हो तो कुछ नहीं कर सकता है, ना म्यूजिशियन अच्छे हो तो कर नहीं सकता है। तो सारे सुर बराबर लगने चाहिए, तब जाके एक्टर लोगों को भी ऐसे ही होता था। मेरे को याद है कि मेरा गाना जब हेलन का होता था तो फोन आता था, आशा जी मैं हेलन बोल रही हूँ, अरे हाँ मुझे मालूम है आप मेरा गाना गा रही है, आप मुझे याद करके गाइएगा, ऐसे बोलती थी। तो मैं गाने में उसको याद करके गाती थी, हेलन का फेस, उसकी बॉडी, उसका सब डांस कैसे, तो वो अंदर मेरे हेलन आ जाती थी। तो ऐसे होता है कि ऐसे हंसना करना, ये जो होता था, तो मतलब सब मिलके काम होता है। ये कोई कहे कि मेरे वजह से होता है, ऐसा नहीं। आज के फिल्मी गाने सुनकर कैसा लगता है? ज्यादातर मैं सुनती नहीं हूँ और ज्यादा मतलब वैसे गाने सुनने का, जैसे लोग अपने गाने सुनते हैं, मैं कभी नहीं सुनती हूँ। मैं जैसे कोई क्लासिकल हुआ, पंडित जसराज जी हुए, पंडित भीमसेन जी हुए, ऐसे गाने सुनती हूँ, गजलें सुनती हूँ। मुझे बहुत पसंद है वे, क्या नाम गुजर गया अभी, आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने गाया, आहिस्ता आहिस्ता, जगजीत सिंह जी, मुझे बहुत उनके गाने अच्छे लगते हैं, मैं वो सुनती हूँ। जैसे फरीदा खानम है, सब ऐसे ऐसे गाने सुनने चाहिए जो हमको कुछ सीखने को मिले। अभी भी सीखना जारी है मेरा। आशा जी, ये जो वक्त है जिससे हम गुजर रहे हैं आज, ये जो कोरोना वायरस है और उसके चलते हुए जो पूरी दुनिया में जैसे एक उथल पुथल जैसी हो गई है, आप उसे किस तरह से देखते हैं आप, आशा जी? मुझे लगता है मैं भगवान की भक्त हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जो दुनिया बनाई और इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, इतने पेड़ और पहाड़ और ये और बर्फ है, कहीं बर्फ है, कहीं रेत है, सारा अपने हिंदुस्तान में आप देखिए हर चीज भरी पड़ी है। सारी दुनिया एक, मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि बुरे तरफ जा रही थी, बहुत बुरे तरफ जा रही थी, तब जाके ईश्वर ने कहा कि रुक जाओ, घर में बैठो भैया, तुम बहुत कुछ कर लिया तुमने, अभी तुम शांति से रहो, मैं तुमको बिठाता हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि जिसके नसीब में होता है उसी को कोरोना होता है, और किसी को नहीं कोरोना होगा। और कोरोना के साथ हमको जन्म बिताना है, हर रोगराई हमारे पास आती है, उसी से हम चलते हैं। तो इसमें इतना डरना नहीं चाहिए कि क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हाथ में हमेशा साफ रखने चाहिए, या कहीं गंदी चीज पर कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर साफ हाथ भी रहे तो उसको कुछ होगा नहीं। जाते जाते मैं जरूर एक गुजारिश करूंगा कि दो लाइन, कोई भी एक खूबसूरत गाने की दो लाइन, मौसम बहुत खूबसूरत है, बारिश में है, आप दो लाइन कुछ आपके फैंस के लिए जो आप गा जाए। मुझे पता होता तो मैं अभी रियाज करके बैठी हुई थी। आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है। आपको आज जाने की जिद ना करो आज जाने के जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने के जिद ना करो आज जाने के जिद ना करो। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम इतने खुशनसीब हैं आपने हमारे लिए। आज जाने की जिद ना करो अभी आप जाइए। थैंक यू आशा जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जो टैलेंट शो है वो बहुत उसमें बहुत प्योरिटी है, जो बोलते हैं ना द प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, आपका जिस वजह से आप कर रही हैं उसमें इतनी शुद्धता है। मैं आपको बताऊं कि मेरा कोई फायदा नहीं है जी, मुझे लाना है लोगों को जो बोल नहीं सकते हैं, गा नहीं सकते, किसी को उनका पता भी नहीं है, वो लोग उभर के आए। आज कितने 200 लोगों ने गाने भेजे हैं, कल 400 हो जाएंगे, पता नहीं कितने हो जाएंगे। तो मुझे चाहिए कि मैं कुछ उनके लिए करूं, मैं करना चाहती हूँ लोगों के लिए। वो मुझसे पूछते थे कि आशा जी हम क्या करें, मैं भी प्रश्न चिन्ह में पड़ जाती थी कि मैं क्या करूं। तो अभी मुझे रास्ता मिल गया है कि उनको मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, जो अच्छे बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही लाजवाब आइडिया है। और हम यही चाहेंगे कि ये बहुत सफल रहे और इसके जरिए हमारी इंडस्ट्री में कुछ अच्छे अच्छे टैलेंटेड सिंगर्स भी आए। थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा इसी तरह खुशमिजाज रहें, बहुत हेल्दी रहें। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, थैंक यू। मैं अदा करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं, थैंक यू। और मेरे घर में आप आए हैं जी। तो अगली बार घर पर मिलेंगे, थैंक यू आशा जी, थैंक यू।